काश मेरे पास स्पाइडरमैन जैसा पावर होता। हम सभी जब बचपन में सुपर हीरोज का मूवीज देखते थे तब हम सबको भी लगता था कि काश हमारे फेवरेट सुपर हीरो जैसा हमारे पास भी सुपर पावर होता। तो इसको लेके मैं आज आपको एक बंदे का रियल स्टोरी बताता हूँ। तो देखो, एक बच्चा था जिसको बचपन से सुपर हीरोज का मूवीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद था, और उस बच्चे का फेवरेट सुपर हीरो था स्पाइडरमैन। वो बच्चा दिन रात स्पाइडरमैन का मूवीज देखता था और सोचता था कि काश मेरे पास भी ऐसा पावर होता तो मैं क्या नहीं कर पाता। फिर वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया और उसका स्पाइडरमैन बनने का शौक धीरे धीरे जुनून में बदल गया। फिर उसका पागलपंती इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो डेली अपने हाथ पे मकड़ी से कटवाता था, और ऐसे ही एक एक दिन निकलता रहा और वो अपने हाथ पे एक एक मकड़ी से कटवाता रहा, सिर्फ ये सोच के कि एक दिन वो भी स्पाइडरमैन जैसा बन जाएगा। लेकिन एक दिन लिटरली उस लड़के के साथ ऐसा हुआ जिसको सुनने के बाद आप भी पूरा हैरान हो जाओगे। तो एक दिन वो लड़का जिस हाथ पे मकड़ी से कटवाता था वो हाथ पूरा का पूरा नीला पड़ गया, मतलब कि मकड़ी का जहर उसके पूरे हाथ में फैल गया। लेकिन ये बात उसने डर के मारे अपने घर वाले तक को भी नहीं बताया। लेकिन एक दिन वो लड़का अपने घर वालों के सामने सर चकरा के जमीन में गिर गया। फिर उस लड़के को हॉस्पिटल पे भर्ती किया गया और उसके घर वालों को भी ये सारा बातें पता चल गया। तो देखो, वो लड़का स्पाइडरमैन नहीं बन पाया लेकिन वो खुद को बस डेली चोट पहुंचा रहा था। ये सब चीजें कभी भी ट्राई मत करना।